हर हर महादेव। एक बड़ी चर्चा होती है, कई प्रकार के शिवलिंग के लोग नाम समझते हैं, कभी प्रश्न करते हैं कि घर में कौन सा शिवलिंग रखना चाहिए, तो उससे बड़ा प्रश्न आता है कि शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं बता दूं, सोने के, चांदी के, इसे बहुत शुभ माना जाता है और सभी का फल अलग अलग विभिन्न है। कि किस शिवलिंग का फल क्या है, इसकी चर्चा मेरे दूसरे वीडियो में है, आप मेरे लिंक पर जाकर दूसरे वीडियो देख सकते हैं, तो विषय अंतर होगा, इसीलिए उस पर मैं विस्तार से नहीं जा रहा। तो अभी सिर्फ प्रकार जान ले कि कितने प्रकार के होते हैं, सोने के, चांदी के, फल फूल के, मिट्टी के, भस्म के, चावल के, कई प्रकार से बनाए जाते हैं। इस प्रकार से नर्मदेश्वर शिवलिंग है, पारस शिवलिंग है, स्फटिक शिवलिंग है, इसके अतिरिक्त गुड़, जौ, भस्म कई प्रकार से बनाए जाते हैं। ये सारी ये कई पद्धतियाँ हैं और अलग अलग पूजन करने का विधान है। तो ये कई प्रश्न आया था जिसके मैंने चर्चा की, और अन्य वीडियो में और जानकारियाँ मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब कर लें और अच्छी चीज़ें अच्छे लोगों को, अपने लोगों को शेयर करना चाहिए, उन्हें भी इनका लाभ मिले और आपको भी इसका धर्म मिलेगा। तो करता हूँ, हर हर महादेव।